सिटी प्रेजेंट फेस टू फेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सुचंद्रा। आज हम लोगों के साथ श्रीनगर जम्मू कश्मीर से वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल एजेंसी जिसका नाम है मिनी ट्रिप्स इंडिया, उसके ओनर मिस्टर हुसैन खान हम लोगों के साथ इस फेस टू फेस इंटरव्यू में मौजूद है। उनके ये ट्रैवल एजेंसी मिनी ट्रिप्स इंडिया वन ऑफ द बेस्ट टॉप 5 ट्रैवल एजेंसी में से है फ्रॉम श्रीनगर जम्मू कश्मीर। सो नमस्कार हुसैन जी, आपको 5 वेस्टर्न सिटी फेस टू फेस में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। सो आपका ये थैंक यू सो मच आपका ये जो ट्रैवल एजेंसी है मिनी ट्रिप्स इंडिया, ये एज अ टॉप 5 में सिलेक्ट हुआ है फ्रॉम श्रीनगर से। सो हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग रियली एक्साइटेड कि हम टॉप 5 में आ चुके हैं बिकॉज़ ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग। सो आई फील वेरी एनकरेजिंग राइट नाउ। ओके, सो मैं आपके ट्रैवल एजेंसी के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल्स में जानूंगी जानना चाहूंगी, और मेरी जो ये जो इंटरव्यू देख रहे हैं वो लोग भी जानना चाहेंगे कि मिनी ट्रिप्स इंडिया का क्या क्या सर्विसेज है, उसके डिटेल्स में कुछ ब्रीफ में आप कुछ बताएं। देखिए, मिनी ट्रिप्स इंडिया, वी आर बेस्ड इन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। हमारा जो मेन फोकस है वो जम्मू एंड कश्मीर ही है, विच इंक्लूड जम्मू, कटरा, कश्मीर एंड लद्दाख एज वेल। सो जो मेन फोकस है हमारे मिनी ट्रिप्स का, वो अभी एज ऑफ नाउ पूरा जे एंड के एज एन होल है। तो इसमें क्या सर्विसेज हम देते हैं? सर्विसेज में हम देते हैं पैकेजेस, टूर पैकेजेस हम देते हैं, पिलग्रिमेज टूरिज्म करा देते हैं, मेडिकल टूरिज्म करा देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा है दैट इज माइस, जो हम इंसेंटिव मीटिंग्स होती है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स की, वो हम कराते हैं उनको। हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे उन चीज़ों को हम अकाउंट सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं टू डिफरेंट कॉर्पोरेट्स, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं। जी हाँ, वैसे जिस जगह से आप बिलोंग करते हो वो जगह के बारे में अगर किसी का भी सपना हो जाने का, तो हम सभी का सपना है। तो फिर आपका ये जो आप बोले कि कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं, कॉर्पोरेट मतलब टूर पैकेजेस आप करते हैं, उसके साथ साथ नॉर्मल जो है वो सब भी आप देखते हो, तो सिर्फ आपका ये जो सर्विस है सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का ही है एज ऑफ नाउ? बिकॉज मैं खुद जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन, मेरी जो इसमें नॉलेज है जम्मू एंड कश्मीर की, बहुत ज़्यादा है। सो आई वॉन्ट टू गिव माई एक्सपीरियंस, गिव माई नॉलेज टू आर गेस्ट। तो इसीलिए मेरा जो मेन फोकस है वो जम्मू एंड कश्मीर ही है। जी हाँ, क्या क्या है इसके अंदर? होटल बुकिंग से लेकर साइट सीइंग, कार, एवरीथिंग अवेलेबल? जैसे मैंने आपको बताया, अपार्ट फ्रॉम जो टूर पैकेजेस होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दोज टूर पैकेजेस, जो हमारा मेन कोर मोटिव है हमारी ट्रैवल कंपनी का, दैट इज इंसेंटिव टूरिज्म, जहाँ पे हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के इवेंट्स हैंडल करते हैं। इवन दो अभी कश्मीर एक डेस्टिनेशन वेडिंग करके बहुत ही हाईलाइट हो रहा है पूरे पैन इंडिया में, सो वी आर इनटू डेस्टिनेशन वेडिंग इज वेल, जहाँ पे हम अच्छे वेन्यूज अपने क्लाइंट्स के साथ, उनके साथ बैठ के डिस्कस करके उनके उनको वेन्यूज हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग्स कर सकते हैं। जी हाँ, कोई अगर आप लोगों से बुकिंग करना चाहे, चाहे वो कश्मीर से ही हो या फिर मतलब अदर साइड हो, इंडिया के किसी और स्टेट से हो, तो कैसे वो कांटेक्ट करें? देखिए, एक तो हमारी वेबसाइट है, दैट इज www.minitrips.in, ये हमारी वेबसाइट है। प्लस जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो हमारे सोशल मीडिया पे हमेशा रहते हैं, उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे वो कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरे पैन इंडिया के लिए हम रेडी हैं उनको यहाँ जम्मू कश्मीर दिखाने के लिए, जिसको हम पैराडाइज कहते हैं, वो सबको उस पैराडाइज की सैर कराने के लिए हम रेडी हैं। जी हाँ, ये जो पैराडाइज है, इसके अगर मैं सीजन की बात कहूँ तो फिर मतलब ऑल द इयर्स जम्मू एंड कश्मीर का सीजन रहता है, अलग अलग वर्शन में रहता है लेकिन सीजन है। तो और एक चीज है, बहुत लोग हैं कि जो डरते हैं कि जम्मू कश्मीर जाए या ना जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, डरने की तो बात ही नहीं है। अभी टूरिज्म देखिए, इस बार भी, लास्ट ईयर भी बहुत ज्यादा टूरिज्म रहा, लोग बहुत सारे लोग आए कश्मीर देखने के लिए, जिनको बहुत देर से यही ड्रीम था कि वो एक बार कश्मीर को देखाए। तो डरने की तो कोई बात भी नहीं है, अब यहाँ के जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी सिचुएशन है, तो कोई भी आ सकता है। डरने की, हमारा यहाँ अगर हम टूरिस्ट के हिसाब से देखें तो जीरो क्राइम है अगेंस्ट टूरिस्ट। तो टूरिस्ट यहाँ, लोग जो कश्मीर माना जाता है, दैट इज फेमस फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी,
तो उस चीज के लिए मैं अपने एंड से अपने कश्मीर की तरफ से सबको इनवाइट करना चाहूंगा कि आप आए कश्मीर, कश्मीर को देखें, राधर जम्मू कश्मीर लद्दाख को देखें और इस पैराडाइज को एक बार लाइफ टाइम में जरूर देखें। बाकी आपको किसी चीज के लिए फिक्र नहीं करनी है, इट्स ऑल सेफ, यू कैन ट्रैवल एनी टाइम। एग्जैक्टली आपका जो क्लाइंट्स है वो ज्यादातर क्या जम्मू एंड कश्मीर से है या फिर ऑल ऑफ इंडिया से है, एनी स्टेट स्पेसिफिक? नहीं, हमारा मोस्टली जो काम रहता है इनबाउंड, मतलब जो इंडिया के बाकी स्टेट से लोग आना चाहते हैं उनके लिए हमारा ये रहता है। लोकल्स तो है ही है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द इंडिया, जो हमारे बाकी कंट्री के लोग आना चाहते हैं कश्मीर देखने के लिए, उनके लिए भी हम प्लान्स करते हैं। ओके, मिनी ट्रिप्स के सर्विस के बारे में तो हम लोगों को पता चला, लेकिन इसके कुछ स्पेशलिटी बताए कि क्यों? देखिए आसपास हम लोगों के सामने और भी ट्रैवल एजेंसी है, तो फिर मिनी ट्रिप्स के पास क्यों आए, डिफरेंस क्या है बाकी से? मिनी ट्रिप सबसे पहले मैं इस ट्रेड में पिछले 15 साल से, सो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होके, तो हमने अपनी ट्रैवल कंपनी में खाली एक ही डेस्टिनेशन चूज करी बिकॉज हमें इस डेस्टिनेशन के बारे में पूरी नॉलेज है, तो हम नहीं चाहते कि हम बाकी डेस्टिनेशन पे फोकस करें। जब मुझे इस जगह की नॉलेज पूरी है तब जाके मैं अपने क्लाइंट्स को वो सारी चीजें देता। अपार्ट फ्रॉम माई सेल्फ जो मेरी टीम है वो दोज आर ऑल प्रोफेशनल फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, उन जिन लोगों ने करीबन 10-10 साल इस इंडस्ट्री में दिए हैं, तो वो सारी चीजें कॉम्पिटिटिव रेट्स, वो सारी चीजें, उन चीजों पर फोकस करके हमारी जो कंपनी है उस पर हम काम कर रहे हैं। जी हाँ हुसैन जी, मैं कुछ पैकेजेस के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि जो भी ट्रैवल में शौक रखते हैं वो सबसे पहले जो है कि कॉस्टिंग क्या है इसके बारे में हम लोग सोचते हैं, तो फिर मिनी ट्रिप्स में जो कश्मीर के लिए जो पैकेजेस है कितने, मतलब स्टार्टिंग अमाउंट कैसे है और कैसे होते हैं? देखिए सबसे पहले ये मैं बताऊं, हर एक क्लाइंट की अपनी एक प्रेफरेंस होती है, अपनी चॉइस होती है। हाँ, exactly. तो जो ही वो अपनी हमें चॉइस बताते हैं, देखिए प्राइस हमारा डिपेंड रहता है किस कैटेगरी का होटल सिलेक्ट करते हैं। सो अगर हम देखें टेंटेटिव कॉस्ट, हम देखें 6-7 हज़ार रुपये पर पर्सन, लेके आप 4-5 नाइट्स का पैकेज ले सकते हैं पर पर्सन, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दोज थिंग्स जो अपने क्लाइंट की हम क्या करते हैं, हम टेलर मेड आइटनरीज बनाते हैं, जो कस्टमाइज्ड पैकेज, जो कस्टमर की ख्वाहिश होती है वो जिस तरीके से अपना ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं उसके लिए हम उनके लिए यहाँ बैठे हैं, उनको पूरा गाइडेंस देने के लिए। प्लस हमारे जो पैकेज है वो कॉस्ट इफेक्टिव 100% होते हैं, बिकॉज हमारे जितने भी यहाँ होटेलियर्स हैं उनके साथ बहुत एक हमारा PR बहुत अच्छा, एक अच्छी रिलेशन मेंटेन रखी है हमने उनके साथ। जी हाँ हुसैन जी, और एक चीज में जानना चाहूंगी कि कश्मीर जो आना चाहते हैं, जो कि ये इंटरव्यू देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों के मन में है कि कितने दिन का ट्रिप करें, तो आप कुछ आइडिया दे दें कि मतलब होल कश्मीर या फिर कितने दिनों का ये ट्रिप हो? मैं जैसे ये कह रहा हूँ कि मिनिमम से मिनिमम एटलीस्ट 4 नाइट्स तो होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम 4-5 नाइट्स मैं तो कह रहा हूँ कश्मीर के लिए, अगर 2 महीने भी वो भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन सबका अपना टाइम फ्रेम होता है, सबसे वो उनको देखना होता है, तो मिनिमम 4 नाइट्स तो होनी चाहिए जिसमें हमारे मेजर स्पॉट्स कवर हो जाते हैं। जी हाँ, और आपसे अगर कोई बुकिंग करना चाहे तो कितने दिन प्रायर बुकिंग करना पड़ेगा? देखिए बुकिंग, क्योंकि जैसे कश्मीर कोई प्लान करता है तो डेफिनेटली प्लान तो 1-2 महीने पहले करते हैं लोग, तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि जब भी आप प्लान करें तो एटलीस्ट 1 मंथ पहले प्लान करें, क्योंकि एक तो आपको अच्छी रेट्स मिल जाएगी, आपको एयरफेयर अच्छा मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आपका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव तो आपका पैकेज बन जाएगा। ओके, आप लोग एयरफेयर भी बहुत ही फेमस, जो जितने भी यहाँ स्टार होटल्स है वहां से लोग वहाँ लंच डिनर के लिए आते हैं, उसको कृष्णा ढाबा बोलते हैं। बस नेक्स्ट कृष्णा ढाबा हमारे पास हमारा ऑफिस है, हमारी बिल्डिंग जो है उसका नाम यात्री भवन है, और यहाँ पे एक फेमस मंदिर है जिसको दुर्गानाग मंदिर कहते हैं, उसी के कॉम्प्लेक्स पे हमारा ये ऑफिस है ग्राउंड फ्लोर पे। ओके, थैंक यू हुसैन जी, और मैं आपसे बताऊं कि आपका
मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि अगर कोई कश्मीर के प्लान कर रहे हो और जाना चाहते हो तो फिर एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल एजेंसी है ये मिनी ट्रिप्स इंडिया, जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। उनका डिटेल्स, वेबसाइट, फोन नंबर एंड लोकेशन सब कुछ इंटरव्यू के साथ डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से वो उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप गूगल में जाओगे तो भी वहां से भी आपको उनका डिटेल्स मिल जाएगा। थैंक यू हुसैन जी, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके एजेंसी के बारे में हम लोगों को बहुत कुछ पता चला, कश्मीर के बारे में भी पता चला, उसके ट्रिप्स के बारे में। और बस मैं एक ही लास्ट चीज पूछूंगी कि ये फाइव वेस्टर्न सिटी के साथ अगर काम करके आपको कैसा लगा? वैसे भी जस्ट वन और टू मंथ्स ही हुआ है आप हम लोग के साथ जुड़े हो, तो एक छोटा सा फीडबैक अगर देंगे। बहुत ही अच्छा लगा, आप एक जेन्युइन फीडबैक लेके अपने क्लाइंट्स के पास जाते हैं, जहाँ पे एक क्लाइंट को एक विजिबिलिटी मिल जाती है किस पे कहाँ पे जाएं, किन के पास भरोसा ज़्यादा करें, तो ये आप बहुत अच्छा काम करें। वी आर रियली थैंकफुल अबाउट बेस्ट सिटी, तो आई रियली थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू सो मच हुसैन जी। आज का ये इंटरव्यू यही तक रहेगा, फिर से मुलाकात होगा फेस टू फेस में किसी और से, और तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।